सो है गाइज, वेलकम बैक टू चैनल राजलक्ष्मी। ताज में आई हूँ कुतुब मीनार घूमने और ये दिल्ली में है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कुतुब मीनार। वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए यहाँ से एंट्री है, टिकट हमने ऑनलाइन ले लिया है, चलिए आपको दिखाती हूँ। सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो यहाँ से एंट्री है और यहाँ पर चेकिंग हो रही है। चेकिंग होने के बाद अंदर जाएंगे। यहाँ प्लास्टिक के बॉटल वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से एंट्री है फाइनल अंदर जाने के लिए। यहाँ 16 हिस्टोरिकल पॉइंट देखने को मिलेंगे आपको अंदर जाइएगा तो। और यहाँ देखिए मुगल बागीचा सब इंडिकेट किया हुआ है एरो करके। देखिए ये दूर से आपको दिखा रही है कुतुब मीनार है, चलिए पास से भी आपको दिखाऊंगी। तब तक आप ये देखिए, और इधर का ये गार्डन एरिया है। टिकट के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, हमने ऑनलाइन टिकट लिया है। आप जब भी आइए तो ऑनलाइन टिकट ही लिया कीजिए, ऑफलाइन में पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी। पहले इसके अंदर जाना अलाउड था, लेकिन कुछ घटना ऐसी घट गई इसके बाद से इसको बंद कर दिया गया है। 4 दिसंबर 1984 में यहाँ पिकनिक मनाने स्कूली बच्चे, मतलब बहुत से लोग भी और आए थे, 400 करीब लोग आए हुए थे। तो जैसे अचानक उसमें लाइट चली गई, जिस वजह से थोड़ा भगदड़ मच गया, जिसमें 40-45 लोग मारे गए। तब से लेकर अब तक ये बंद ही है। और देखिए यहाँ कुतुब मीनार हम लोग पहुँच चुके हैं एकदम पास में, चलिए आपको दिखाते हैं। और ये है कुतुब मीनार सामने से। यह 73 मीटर लंबा है और इसके अंदर 379 सीढ़ी है और ये दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये कुतुब मीनार। इसको भारत का सबसे ऊंचा मीनार भी कहा जाता है। कुतुब मीनार 5 मंजिला बना है और ये लाल पत्थर और मार्बल से बना हुआ है। देखिए पास से कुतुब मीनार कितना अच्छा लग रहा है, आप इसके नीचे खड़े होकर उसकी ऊंचाइयों को देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ आपको हर एक सेकंड पे एरोप्लेन दिखाई देगा, क्योंकि पास में ही एयरपोर्ट है, तो आप जब आइएगा आपको ये व्यू देखने को मिल जाएगा। सब साइड में यहाँ बनाए हुए हैं, डिजाइन बनाए हुए हैं, मस्जिद है ये सब। तो चलिए आपको मस्जिद के अंदर भी दिखा देते हैं। ये सब अब थोड़ा जर्जर स्थिति में आ गया है, पहले ये अच्छा था, लेकिन फिर भी घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। आप दिल्ली जाइए तो जरूर कुतुब मीनार घूमिए। तो चलिए आपको अंदर ले चलते हैं।
सामने भी आपको डिज़ाइन दिख रहा होगा, यह सब मस्जिद है। और लेकिन अब सब ध्वस्त हो गया है इसलिए उतना अच्छा इसका डिज़ाइन पता नहीं चल रहा, लेकिन इधर देखिए इसके पिल्लर देखिए कितना अच्छा कारीगरी की हुई है। आगे दिखाते हैं और इसके अंदर क्या क्या है। बहुत बड़ा में भी है ये। और यहाँ भी देखिए कब्रगाह बनी हुई है। कुतुब मीनार को जहाँ से भी देखिएगा वो इतना ऊंचा इतना खूबसूरत ही दिखाई देगा। आप किसी एंगल से इसको देखिएगा हमेशा एक ही डिज़ाइन में दिखेगा और बहुत बहुत अच्छा लगता है देखने में। यहाँ हमेशा फिल्म की शूटिंग भी होती रहती है। सब देखना चाहिए सीखना चाहिए कि पहले के लोग कैसे रहते थे क्या करते थे। और ये है अलाई दरवाजा। और इधर देखिए थोड़ा सा ऊंचाई पर है और वहाँ जाके थोड़ा सा आगे चल के आप ऊंचाई पे जाइएगा, वहाँ से आप सेल्फी ले सकते हैं कुतुब मीनार के साथ, क्योंकि ये इतना लंबा है कि आप इसके नीचे खड़े होइएगा तो ऊपर का मीनार नहीं आ पाएगा। तो चलिए इसमें अलाई दरवाजे में अंदर चलते हैं, इसको भी आपको दिखा देते हैं इसके अंदर क्या है। पहले के जो भी बनाए हुए रहते थे भवन जो भी होते थे उसका डिज़ाइन बहुत अच्छा बनाया जाता था। तो देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है, अब ऐसा डिज़ाइन नहीं बनता है। देखिए दरवाज़ा कितना अच्छा है कितना ऊंचा है। और ये देखिए गुंबद स्टाइल में बनाया हुआ है राउंड शेप में पूरा। देखिए कितना बड़ा दरवाज़ा है एकदम हवादार है। इसमें चार दरवाजे हैं चारों ओर से। चलिए आगे चलते हैं। और ये भी मस्जिद है, ये मस्जिद है इसके अंदर कब्रगाह है। और ये है घड़ी, उस जमाने की घड़ी, धूप से समय का पता लगाया जाता था तो जिस एंगल से धूप मिलता था वहाँ टाइमिंग पता चल जाता था। ये आप पास से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये घड़ी कैसे चल रही है। और ये बस पत्थर पे ही बनाया हुआ है और उस पर टाइमिंग लिखा हुआ है 1 से 12 बजे लिखा हुआ है। और धूप जैसे जैसे पड़ेगी ना वैसे वहाँ वो इंडिकेट करेगा टाइम आपको। तो पहले के लोग ऐसे टाइम देखते थे। और चलिए आपको खिलजी का मकबरा में ले चलते हैं। मैं बताई थी इसमें 16 हिस्टोरिकल पॉइंट है तो आप देख सकते हैं। चलिए अंदर आपको ले चलते हैं। सब ध्वस्त हो चुका है, मरम्मत नहीं होने के कारण ये सब ध्वस्त हो गया, आधा अधूरा बन गया था, फिर इसको नहीं बनवाया गया आगे तो इसलिए ये सब ऐसे ही धरोहर के रूप में इसको रखा गया है।
पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ भूकंप आने की वजह से थोड़ा बहुत ये सब ध्वस्त भी हो चुका है। कुतुब मीनार भी ध्वस्त हो चुका था, फिर उसको बाद में मरम्मत कराया गया। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं बाहर की ओर। और इधर भी देखिए बहुत सारे कब्रगाह हैं, सब दफन किए हुए आपको दिख रहे होंगे। और ये है अलाई मीनार, जो 1311 में से 1316 तक बना था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई, इसके बाद इसका कार्य रुक गया। और ये कुतुब मीनार से भी बहुत बड़ा बनने वाला था, आप इसका बेस देख सकते हैं कितना बड़ा है। तो ये बनता तो कुतुब मीनार से भी बड़ा बन जाता, लेकिन मृत्यु होने के बाद फिर आगे इसको किसी ने निर्माण इसका नहीं करवाया, तब से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो बस इसको आप जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कुतुब मीनार घूम चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा ही थक चुकी हूँ, क्योंकि सुबह से मैं घूम ही रही हूँ। तो मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाय बाय।